बांग्लादेश में हिंसा के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मोहम्मद यूनुस वहां के प्रधानमंत्री बने थे। हिंसा के बाद शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण ली थी, मगर अब बांग्लादेश में हिंदुओं ने जो किया उसने बांग्लादेश समेत पूरे पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं ने जो किया उससे ना सिर्फ बांग्लादेश के कट्टरपंथी बल्कि पूरा पाकिस्तान भी हिल गया। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं ने ऐसा क्या कर दिया, उसे बताने से पहले आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर हर भारतीय का दिल गदगद हो जाएगा। आज तक आपने सुना होगा कि भारत अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, रूस से खरीद रहा है, फ्रांस से राफेल विमान आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अमेरिका भारत से हथियार खरीद रहा है तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन आपको ये भूलने की जरूरत नहीं है कि ये मोदी का भारत है। जब से पीएम मोदी देश के पीएम बने हैं, तब से भारत एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है, और आज के समय में भारत ने बने हथियारों की दुनिया जमकर खरीदारी कर रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरी दुनिया भारत के हथियारों को खरीदने के लिए काफी उत्सुक है, मगर हैरानी की बात ये नहीं कि भारत के हथियारों को खरीदने की लाइन लगी है, बल्कि सबसे हैरानी की बात तो ये है कि भारत के हथियारों को खरीदने में सबसे आगे दुनिया भर को धौंस दिखाने वाले अमेरिका और फ्रांस जैसे देश है। एक तरफ इसराइल और ईरान युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वार। ऐसे में दुनिया भर के देश अपने अपने हथियारों के बेड़े को मजबूत करने में लगे हैं, और इसका फायदा सीधे तौर पर भारत को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन शक्तिशाली देशों को भारत में बने हथियारों पर ज्यादा भरोसा है। आपको बता दें कि अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया दुनिया के ये तीन देश ऐसे है जो भारत के हथियारों के सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे है। आसान शब्दों में कहे तो मोदी जी के नेतृत्व में देश इस कदर तरक्की कर रहा है कि आज के समय में अमेरिका और फ्रांस जैसे देश हथियार खरीदने के लिए भारत की तरफ रुक कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय ने दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया ये तीन ऐसे देश है जो भारत से जमकर हथियार खरीद रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां अब लगभग 100 देशों को हथियारों, गोला बारूद और फ्यूज जैसी बहुत से सैन्य उपकरण निर्यात कर रही हैं। इनमें कुछ पूर्ण हथियार प्रणालियां और प्लेटफॉर्म मसलन ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉर्नियर विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिना का रॉकेट। हालांकि यहां गौर करने वाली बात है कि भारत अभी अमेरिका को हथियार तो नहीं बेच रहा, मगर अमेरिका को होने वाले निर्यात में मुख्य रूप से हथियारों के सब सिस्टम और कलपुर्जे शामिल हैं। यानी अमेरिका भारत से अभी हथियारों में लगने वाले अहम कलपुर्जे खरीद रहा है। इनमें बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी दिग्गज ग्लोबल डिफेंस कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां अपने ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क के साथ साथ ऑफसेट कमिटमेंट के तहत भारत से विमान और हेलीकॉप्टरों के लिए धर यानी हेलीकॉप्टर का मैन बॉडी पार्ट, विंग्स और अन्य पुर्जे खरीदती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में आर्मेनिया ने भारत के साथ कई रक्षा सौदे किए हैं। इन सौदों में मिसाइल, तोप, रॉकेट सिस्टम, हथियारों का पता लगाने वाले रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन उपकरण शामिल है। इसके अलावा कई तरह के गोला बारूद और तोपों के गोले भी शामिल हैं। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला आर्मेनिया पहला विदेशी देश बन गया है। फिलीपींस भी भारत से सैन्य उपकरण खरीद रहा है। जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस एंटी शिप कोस्टल मिसाइल बैटरी के 3 यूनिट निर्यात करने का $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिला था। इसके बाद आसियान के दूसरे देशों और खाड़ी के कुछ देशों ने भी इस मिसाइल को हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। ये तो हो गई भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा। चलिए अब बात करते हैं कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं ने जो किया उसने बांग्लादेश समेत पूरे पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं ने जो किया उससे न सिर्फ बांग्लादेश के कट्टरपंथी बल्कि पूरा पाकिस्तान भी हिल गया। जहाँ एक तरफ भारत में बटेंगे तो कटेंगे का नारा गली गली में गूंज रहा है, तो वही दूसरी तरफ बांग्लादेश के हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बांग्लादेशी हिंदुओं ने एकजुट होकर अपने ताकत का एहसास करा दिया है। एहसास ही नहीं करा दिया बल्कि बांग्लादेशी सरकार को भी अपने कदमों में भी झुका दिया।
शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अराजक स्थिति बनी हुई है। लूटपाट और डकैती की घटना के बीच हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे हिंदुओं में भय का माहौल है। मगर इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं ने जो किया उसे देखकर कट्टरपंथी पूरी तरह से डर गए हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आपको आपार जन समूह नजर आ रहा है, वो बांग्लादेश के हिंदू है जो अपने अधिकार और सुरक्षा को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं, बताया जा रहा है। ये तस्वीर बांग्लादेश के चटगांव की है। त्योहारों के मौके पर बांग्लादेश के हिंदुओं के इस हुजूम को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर कट्टरपंथियों के रातों की नींद छीन लेगी। बांग्लादेश में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे सनातनी आज भी पूरी ताकत से एकजुट है। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है, वहाँ तक केवल सनातनी ही सनातनी नजर आ रहे हैं। सनातनियों की ये भीड़ देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये बांग्लादेश की तस्वीर है। एक नजर में कोई भी यही कहेगा कि ये तस्वीर भारत की है, मगर नहीं, ये तस्वीर बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, तब से ये पहला मौका है जब सनातन जागरण मंच के बैनर तले बांग्लादेश के चटगांव में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक ही जगह पर हिंदू समाज एकजुट हुआ है। ये तस्वीर न सिर्फ बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को बल्कि हिंदुस्तान में बैठे हिंदू विरोधियों के भी रातों की नींद छीन लेगा। आपको बता दे कि इन लोगों की बांग्लादेश की यूनुस सरकार से महज 8 मांगे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर तुरंत सुनवाई हो, पीड़ितों को मुआवजा मिले, छीनी हुई संपत्ति वापस हो, अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बने, अल्पसंख्यकों का पुनर्वास हो, अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम लागू हो, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बने और हिंदू फाउंडेशन बने, साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाए जाने की मांग भी की है। साथ ही दुर्गा पूजा पर 5 छुट्टियों की मांग की है। यूनुस सरकार के सामने हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर अपने ताकत का एहसास करा दिया है। इन लोगों ने बांग्लादेश के सरकार के सामने मांगे रखी है, जिसके मुताबिक हिंदू फाउंडेशन बनाइए जाने से लेकर दुर्गा पूजा पर 5 दिन का सरकारी अवकाश तक की मांग की है। और अब बांग्लादेश के हिंदुओं की एकजुटता देखकर पाकिस्तान भी डरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें बेहद आम है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनके हक में बड़ा फैसला लिया है। दावा किया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की पंजाब सरकार गुरु नानक जयंती दिवाली से पहले राज्य के 2000 सिख को और हिंदू परिवारों को 10,000 पाकिस्तानी रुपए प्रदान करेगी। इसके अलावा बलूचिस्तान सरकार ने भी बड़ा ऐलान करते हुए दिवाली के मौके पर हिंदू कर्मचारियों के लिए 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है।